देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद निरंतर धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज रीवा के शमशान घाट में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौन व्रत पर बैठ गए। 4 घंटे के मौन व्रत में कांग्रेस की महिला एवं पुरुष कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी शामिल रहे। शमशान घाट में दिए गए धरना प्रदर्शन के संबंध में कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह मंगू ने कहा कि यह देश सबका है, लेकिन आज लोगों से अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जा रही है। लोकतंत्र की हत्या सरेआम हो रही है, जिसके सुरक्षा में हम गांधीवादी विचारधारा से शमशान में मौन व्रत कर रहे हैं। गुरमीत सिंह मंगू ने कहा कि बीजेपी शासन काल में मोदी की हिटलर शाही से लोकतंत्र की आजादी छीनी जा रही है। इंसान अपने घर में कैद हो चुका है, सड़क पर कैद है, बाजार में कैद है, अब उसके पास मुक्ति धाम या कब्रगाह ही अंतिम सहारा है, जहां वह अपनी बातों को रख सकता है। वह जीवन के अंतिम पड़ाव को झेलने के लिए तैयार है। वह जल जाने और मरने के लिए शमशान घाट में पहले से बैठ गए हैं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान के आधार पर जब न्यायालय ने उन्हें दोषी माना तो राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता ही समाप्त कर दी गई। यहां तक कि उनके सरकारी बंगले को खाली करने के आदेश जारी कर दिए गए। अचानक हुई इस कार्रवाई से कांग्रेस पार्टी सहित सभी विपक्षी पार्टियों में भूचाल आ गया, जिसके बाद कांग्रेस सहित सभी पार्टियों ने मिलकर मोदी और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और राहुल गांधी की सदस्यता वापस करने की मांग कर रहे हैं। आज आप लोग शमशान घाट में मौन व्रत बैठे हैं, राहुल गांधी जी क्या मानना है? हम मौन व्रत में बैठे हुए हैं। लोकतंत्र की हत्या का जो ये एक बड़ा प्रयास हो रहा है कि 2 साल की सजा राहुल गांधी जी को होती है और अपील होनी होती है, 1 महीने के अंदर अपील करने का तो निष्कासन कर दिया जाता है, फिर एक नोटिस मकान खाली करने की होती है। तो हम लोग के पास एक ही विकल्प बचता है कि हम बनरिया, जहां सब लोग, सभी धर्म के लोग, सभी समाज, सभी धर्म के लोग, कोई कब्रिस्तान जाता है, कोई शमशान घाट जाता है, वहाँ एक मुक्ति की प्रार्थना करता है। तो आज हम भारतीय जनता पार्टी की मुक्ति की प्रार्थना करने के लिए यहाँ मौन व्रत में बैठे हैं कि यह देश, यह गुलाब का फूल सबका है, सभी समाज, सभी धर्म का है और हर व्यक्ति को यहाँ आज़ादी है बात करने की, बात रखने की, बात बोलने की। लेकिन इस दौर में जो भारतीय जनता पार्टी का ये दौर आया है, जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उस दौर में बोलने की आज़ादी बंद कर दी जा रही है। अब बोलने की आज़ादी बंद करने का मतलब यह है कि आप घर के अंदर कैद, आप दुकान के अंदर कैद, आप बाहर कैद, आप सड़क में कैद, तब बचा क्या? जब सब जगह बंद कर दिया गया तब एक ऐसी जगह बची है, वो जगह है यह शमशान घाट या बनरिया, जहाँ हम आके, हम सारे कांग्रेस परिवार के लोग और रीवा शहर के जागरूक लोग यहाँ 2 घंटे का मौन व्रत रख रहे हैं, जो कि 11 बजे से 2 बजे तक का यह मौन व्रत है। क्या माना जाए कि बाहर आपको ये डर है बोलने से, आपने के ऊपर कार्रवाई? बोलने से डर? राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जा रहा है, 2 साल की सजा हो जा रही है। जब राहुल गांधी जी के ऊपर हो जा रहा है तो आम आदमी के साथ क्या हो रहा होगा? मेरे खिलाफ अभी आपने देखा होगा कि बाल न्यायालय ने केस के लिए आदेश कर दिया, कलेक्टर ने कहा कि मैं मंगू सरदार के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करूंगा, तब बोलेगा कहाँ? तो बोल सकते नहीं, तब तो एक ही रास्ता बचा है कि हम जाके शमशान घाट में मौन व्रत करें। यहाँ घर बना नहीं सकते, यहाँ तो सीधे जल सकते हैं, तो आज हम जलने के लिए यहाँ आए हैं। कांग्रेस डर रही है जी, सीबीआई और ईडी से क्या डर रही है? अगर कांग्रेस डर रही होती तो ये स्लोगन देखिए सर, लगा हुआ है सामने आपको दिख रहा है, डरो मत। हम डरने वाले लोगों में से नहीं हैं, हम गांधी के अनुयायी, हमने अंग्रेजों को भगा दिया, हमने उन देश के अंदर जब जब कोई क्रूर शासक आया है तो जनता ने
और कांग्रेस ने उसे बाहर का रास्ता दिखाया है। हम तो यहाँ मौन व्रत रख के देश की जनता को और खास तौर से मोदी को और मोदी के चमचों को ये बताने आए हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं। हम तो यहाँ तैयार हैं, लकड़ियाँ भी तैयार हैं और हम जलने के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं। अगला कदम क्या है इसके बाद? अगला कदम लड़ाई सामने है, लड़ाई सीधी सीधी है कि जनता के हितों की लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं।